नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। मैं आपके साथ शबनम और मेरे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। तो जहां एक तरफ नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है, वहीं इंडिया गठबंधन इस बार फिर पिछड़ गया है। तो इसी के साथ एक महाराष्ट्र की हॉट सीट बनी हुई है अमरावती सीट, जहां से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा हारती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को वहां पर बढ़त मिल रही है। इसी बीच अब खबर यह भी आ रही है कि नवनीत राणा की हार के पीछे बीजेपी खुद ही वजह बनी है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब से बीजेपी ने नवनीत राणा को टिकट दिया, वहां के जमीनी कार्यकर्ता, वहां के नेता सब गुस्से में बीजेपी के ही खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नवनीत राणा का विरोध प्रदर्शन किया गया, हालांकि जिस तरीके से नवनीत राणा मुखर होकर बोलती रही, विपक्षी नेताओं को घेरती रही, बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया और आखिर में उसका नतीजा यह हुआ कि अपनी ही सीट से नवनीत राणा अब हारती हुई दिखाई दे रही है। तो अभिषेक, इतना गहरा झटका ये नवनीत राणा के लिए हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप नवनीत राणा का बयान याद करिए, जब उन्होंने कहा था कि कोई मोदी लहर नहीं है, जब वो एक मीटिंग में थी, कोई मोदी लहर नहीं है, और आपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि कोई मोदी लहर नहीं है, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही जीतना पड़ेगा। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, जो जमीनी नेता महाराष्ट्र में थे, अमरावती की सीट पर जो नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी को यहां से टिकट दिया जाए और कोई बाहरी यहां से चुनाव लड़े। उनका ऐसा मानना था कि कोई यही का हो, उसे ही बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाए और वही लड़े। लेकिन बीजेपी ने सोचा कि फायर ब्रांड नेता है, निर्दलीय सांसद थी, अच्छा बोलती हैं, हिंदू मुसलमान करती हैं, और इसी वजह से उन्होंने अमरावती से उन्हें चुनाव लड़वा दिया। उनके पति भी विधायक हैं और साथ ही हैदराबाद में माधवी लता का चुनाव प्रचार करने के लिए भी भेज दिया। वहां जाकर भी उन्होंने खूब जो है आग बबूला हुई। असदुद्दीन ओवैसी को बोला, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी काफी कुछ बोला, लेकिन आखिरकार ना तो अपनी सीट बचा पाई और ना ही माधवी लता की सीट बचा पाई। तो इस बात से सीधा संदेश और इशारा यह मिलता है, अगर नवनीत राणा या फिर बीजेपी समझती है इस बात को कि सिर्फ मोदी के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते, कुछ जनाधार आपका भी होना चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए कि लोग ये सोचे कि हाँ, ये इंसान हमारा 5 साल सांसद रहने वाला है। अभिषेक, एक बात ये भी है कि नवनीत राणा चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, फायरब्रांड नेता रही हैं, उन्होंने हर मुद्दे पर मुखर होकर बात अपनी रखी है। जैसे अभी ओवैसी का 15 मिनट वाले चैलेंज को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके साथ ही एक मुद्दा ये भी आया था जब वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो उस दौरान हनुमान चालीसा को लेकर उन्होंने वो जेल भी जाना पड़ा, उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दे दी थी, तो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया था, उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया था। उसके बाद नवनीत राणा को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि नवनीत राणा उस टाइम निर्दलीय थी, उन्होंने फिर उसके बाद बीजेपी को समर्थन देने की बात कही और फिर बीजेपी में वो शामिल होकर उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार तो बना दिया। लेकिन जिस हिसाब से नवनीत राणा हर मुद्दे में प्रखर रहती हैं, मुखर रहती हैं, जातिवाद, जाति सर्टिफिकेट के मामले में वो फंसी हुई हैं, अभी हालांकि उन्हें उससे क्लियर वो नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी ने उनका किसी भी मुद्दे में साथ नहीं दिया, उनका वो हर मुद्दे पर मुखर होकर बोली, हर चीज के लिए आगे पॉइंट रखा। एक जातिवाद मुद्दा महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बढ़ता रहा, बिल्कुल हिंदुत्व का मुद्दा बहुत जो है, पीएम मोदी इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। तो जिस हिसाब से उस सीट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही विरोध किया, कहीं ना कहीं नवनीत राणा को अपनों के समय, नवनीत राणा ही नहीं, सिर्फ बीजेपी जितनी भी सीटें हारी है, सब सीटों में कारण रहा है वहां का जो एमपी कैंडिडेट था बीजेपी का, उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, इस बार जो टिकट काटे गए वो कम काटे गए। रिपोर्ट कार्ड जो जो है बीजेपी के पास, आलाकमान के पास पहुंचा, वो पता नहीं किस तरीके से पहुंचा, किस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 साल में खराब रहा, काम उन्होंने नहीं कहा, जनता उनसे उब चुकी थी, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। और नवनीत राणा के केस में भी यही हुआ कि जो वहां का आम कार्यकर्ता था, जो वोटर था, वो नहीं चाहता था कि नवनीत राणा वहां से चुनाव लड़े, और इसीलिए जो है ये सीट बीजेपी को हारनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं नवनीत राणा को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की वजह से हार का सामना करना पड़ा है और अमरावती सीट बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। तो बाकी की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।